लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ सोनाली ठाकुर। गाजियाबाद में कुत्ते के काटने के बाद हुई किशोर की मौत ने अमरोहा प्रशासन की भी नींद खोल दी है। दरअसल पिछले एक माह में आवारा कुत्ते कई मासूम समेत दर्जनों लोगों पर जानलेवा हमला कर चुके हैं। पिछले दो दिनों में आवारा कुत्तों ने दो मासूमों को भी बुरी तरह काटकर घायल कर दिया है। आपको बता दें कि जिनका अभी भी इलाज चल रहा है। लगातार आवारा कुत्तों के हमले के कई मामले सामने आने के बाद अमरोहा पालिका ने कुत्तों को पकड़वाने के लिए विशेष अभियान चलाया है, जिसमें पालिका टीम ने दो दर्जन से अधिक आवारा कुत्तों को पकड़ा है। साथ ही ईओ ने आगे भी अभियान जारी रखने की बात कही है। आपको बता दें कि अमरोहा में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार जारी है। खूंखार कुत्ते अभी तक 10 से ज्यादा मासूम बच्चों समेत कई लोगों को अपना निशाना बना चुके हैं। कुत्तों के आतंक से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। लोगों की लगातार शिकायत पर नगर पालिका अमरोहा ने आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया है। दरअसल गाजियाबाद में खूंखार कुत्ते के काटने से एक मासूम बच्चे की जान चली गई थी। इस घटना के बाद से पूरे प्रदेश में आवारा कुत्तों को पकड़ने का अभियान चल रहा है। वहीं अमरोहा नगर पालिका के अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने बताया कि आवारा कुत्तों द्वारा हमला करने की ज्यादा शिकायतें आ रही थी। पता चला है कि आवारा कुत्तों ने कई मासूम बच्चों पर हमला कर घायल कर दिया है। इन्हीं घटनाओं पर तत्काल संज्ञान लेते हुए पालिका टीम द्वारा विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत नगर के कई इलाकों में आवारा कुत्तों को जाल के द्वारा पकड़ा गया है। साथ ही उनकी नसबंदी कराई गई है। यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। और हम जाते हैं मेंबर के पास, तो मेंबर के पास हमारी भाभी गई। उन्होंने कहा, तो मेंबर साहब ने ये कहा, हंसार मलिक ने, कि हमें कोई इज्जत वोट थोड़ी दिए, दो चार वोट दिए, हम क्यों जाएंगे वहाँ। ये कहा उन्होंने, तो मेंबर भी हमारे पास क्यों नहीं आए। फिर जब हमने अकील मेंबर के पास कॉल करी, अकील मेंबर को बुलाया, वो हमारे पास आए। अकील मेंबर को हमने कॉल करी पहले वालों को, वो हमारे पास आए। अंसार मलिक मेंबर ने हमें मना कर दी, वो नहीं आए। पहले मेंबर हमारे पास आ गए, वो तो आ ही गए, दो तीन दफा आ गए। तो ये हमारा कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं, यहाँ पे बच्चों को काट रहे हैं बार बार। यहाँ पे कोई वो नहीं होता, वो बहुत मतलब देने के बाद भी बच्चे बहुत, औरों के भी काटा है बहुत बच्चों के यहाँ पे। यहाँ पे भी कई बच्चों के, तीन चार बच्चों के गोटी गोश निकाल लिया पूरा। बहुत परेशान कर रहे हैं यहाँ के मेंबर साहब को, ऊपर तक पहुँचाए बात ये। मतलब वोट देने के बाद भी मेंबर साहब वोट नहीं दे रहा है। यहाँ कई बच्चों के काट चुके हैं कुत्ते का, अब भी बहुत मेरे भांजी के काटा है, छोटे वाली के बहुत ज्यादा काटा, और वो के आस पड़ोसी के मेरे काटा है मासूम बच्चों के बहुत ज्यादा, फिर भी वो नहीं दे रहा। एक बच्चा बहुत खून से लथपथ है, चेहरे पर उसके पूरे घाव है, और मतलब बॉडी वोडी सब निकाल दी उसकी। क्या मामला यहाँ कुत्तों का आतंक है? कुत्ते बहुत काट रहे हैं यहाँ पे, कई बच्चों के काट चुके हैं, और ना तो कोई मेंबर आता है ना कोई आता। अंसार मलिक, यहाँ पे कुत्ते का आतंक है। छोटे बच्चे घर में से बाहर निकलते हैं, कुत्तों ने काट ले, एकदम से झपट्टा मारते हैं, किसी को भी पता नहीं लगता बिल्कुल। बड़े हों या बच्चे हों, सब कुत्ते सब पे चिपट रहे। कुत्ते हमारे छोटे बच्चे हैं, बकरी बच्चे भी है हमारे। कल से हमारी बकरी पे ऐसे चिपटे, हमारी बकरी घर में से उठ नहीं रही बिल्कुल भी। 51 बकरी बिल्कुल नहीं हिल रही बिल्कुल भी। कैसी है बकरी, ऐसी की जगह पर बैठी डरी। सुबह 6 महीने की बच्ची को कुत्तों ने खींच खींच के सड़क पर जब फाड़ा बुरी तरीके से, बचाने गए तो उन पे भी हमला करने को तैयार थे बिल्कुल। थे उनके अब्बा को काटा, यहाँ से यहाँ तक पूरा हाथ काटा उनके अब्बा का बुरी तरीके से। कई सारे जने मेंबर के पास गए थे, मेंबर ने ये कह दिया कि मेरे क्या नाम, मैं नहीं जा रहा, मेरा वो नहीं है। हंसार मलिक है यहाँ के मेंबर। मेरा नाम मोहम्मद आजी। कहाँ से? यहीं रहते हैं, फारूक नगर। क्या हुआ इस बच्ची? ये छोटी वाली मुन्नी, इसको मुन्नी को बड़ी वाली मुन्नी लेके जा रही थी, तो कुत्ते ने छीन लिया इसको हाथ में, और इसको काटा बहुत बुरी तरीके से।